करते हैं हम, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। वाह वेरी नाइस। हम मौत को जीने के से पूछते हैं कि सर कैसा लगा नैनीताल में घूम के आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बाकी ये जस्ट झील दिख रही है यहाँ से, बहुत बेहतरीन नजारा है, कोई मिल गया कि छुट्टी। हमसे मुसाफिर यूं तो कई। अपनी इवनिंग के टाइम में पहुंचे तो आपको गोल्डन कलर में हिमालय दिख रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत है। तो खूबसूरती वादियों से नैनीताल से आपको दिखाते हैं मैंगो लेक। ये देखिए, ये देखिएगा, काफी बेहतरीन नजारा है और इधर पे पूरा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर नेचर है तो तभी हम लोग भी हैं, और ऐसी झील भरे रही, माता रानी का आशीर्वाद ऐसी बने रहे। ये जस्ट झील दिख रही है यहाँ से, बहुत बेहतरीन नजारा है, कोई मिल गया की शूटिंग यहाँ की है, विभाग की शूटिंग यहाँ की है, और ऋतिक रोशन वाली कोई मिल गया हो गई, और शाहिद कपूर वाली विवाह हो गई, और तीसरी कटी पतंग है राजेश खन्ना की पुरानी ओल्ड मूवी, और चौथी एक चांद के पार चलो मूवी थी वो यहाँ की है, और एक सिर्फ तुम मूवी थी जिसमें गाना था पहली पहली बार मोहब्बत की है, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, वो सीन यहीं का है। ये भैया आए हमारे तो भेलपूड़ी बना रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे गोलगप्पे भी खा सकते हैं, और बाकी ये बताते हैं अभी आपको यहाँ के बारे में। खिलाएंगे भेलपूरी पानीपुरी चना बनाएंगे चटपटा मुंह का बनाएंगे, खिलाएंगे भेलपूरी पानीपुरी चना बनाएंगे चटपटा मुंह का बनाएंगे जायका, पहाड़ी पे कराएंगे नाश्ता, दिखाएंगे आम, खिलाएंगे भेलपूरी पानीपुरी चना चटपटा। विक्की भाई का स्वागत है हमारे पॉइंट में, नैनीताल लेक व्यू पॉइंट में। यहाँ से आप नैनी लेक को देखते हैं तो ये उल्टे मैंगो के शेप में नजर आती है, और आप इस समय नैनीताल लेक व्यू पॉइंट में संजू बाबा के स्टॉल में, संजय बिष्ट के स्टॉल में स्वागत है आप लोगों का। अब विक्की बाबा की डिमांड पर इनको सुनाएंगे एक गाने की चार लाइनें, और ये गाना शुरू करते हैं हम। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। वाह वेरी नाइस। हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। गुड जॉब, गुड जॉब। उल्टा कर देंगे। मत थसा हो बजने पो यानी धू को खादी गेंदे, महतमों को ने जी के जदनो खासी गेंदे। ओके विक्की। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने दिख रहा है आपको चाइना पिक, और ये देखने को मिल रहा है आपको सामने में कैमिल बैक, और बाकी ये इधर का जो छोटा वाला पहाड़ है इसको बारह पत्थर बोलते हैं, वैसे ये बड़ा पत्थर है, इंग्लिश नेम इसका बारह करके आया इसलिए बारह पत्थर बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों लवर एंड सुसाइड पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ से नीचे की तरफ अगर देखते हैं आप तो पूरी खाई है, और जस्ट पीछे की तरफ जो कैमिल बैग है तो ये ऊंट की तरह पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, एक गाना सुनाता हूँ आपको। दोस्तों आ चुके हैं लवर्स पॉइंट के पास, तो यहाँ पे आके लग रहा है कि एक गाना सॉन्ग सुनाया जाए, तो प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही है इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद आप सभी का। बाकी विक्की एनटीएल में सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी दिखाते हैं अभी नेक्स्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों नीचे में सूखा ताल दिख रहा है, जो साल भर में दो महीने पानी रहता है, जो बरसात से पानी भरता है, बाकी स्रोत नहीं है। बाकी जितने भी ताल हैं यहाँ पे सब में स्रोत है, पर इस ताल में स्रोत नहीं है, ये खाली बरसात के पानी से भरता है, इसलिए इसका नाम ही सूखा ताल रखा गया है। बाकी जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ये जो ताल भरा था 1990 में भरा था, सबसे ज़्यादा जो फुल हो गया था, घर भी खाली करने पड़े थे, उस समय बरसात बहुत तेज ज़्यादा हुई थी। तो दोस्तों आ चुके हैं हिमालय दर्शन से थोड़ा सा आगे में, तो दिखाते हैं आपको इको पॉइंट। तो यहाँ से अगर कोई भी वॉइस आप बोलते हैं जोर से तो यहाँ पूरी गूंजती है इस जंगल में। आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये पूरा जंगल है किलबरी का, और यहाँ से आवाज गूंजती है, तो आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। जय श्री राम। देखिए तो यहाँ पे आइएगा, काफी अच्छा देखने को मिलता है। ये देखिए टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सत्यनारायण टेम्पल भी है यहाँ पे, ये देखिए।
यहाँ पे बर्फ काफी जमे रहती है, अगर जनवरी की बर्फ होती है तो फरवरी में भी देखने को मिलती है, क्योंकि सनलाइट उल्टी हो जाती है उस समय, तो उस समय आते हैं तो आपको देखने को मिलती है। बाकी नेक्स्ट अभी ये जनवरी आने वाला ही है तो बर्फ जल्द से जल्द पड़ने वाली है, 15-20 दिनों में पड़ी जाएगी जहाँ तक है। क्रिसमस के बाद ही लगभग बर्फ देखने को मिलती है नैनीताल में, तो कभी नैनीताल आइए तो जनवरी के टाइम पे आइए तो बर्फ देखने को मिलेगी आपको पूरी पड़ते हुए। इनसे पूछते हैं कि सर कैसा लगा नैनीताल में घूम के आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बाकी सफर विक्की भाई के साथ बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप बता सकते हैं? महाराष्ट्र से आए हैं हम, मुंबई से, और एक ही दिन में उन्होंने काफी पॉइंट कवर कर लिए हैं, इसलिए विक्की भाई के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब चैनल कीजिए, सब्सक्राइब विक्की एनटीएल। थैंक यू दोस्तों, पहुंच चुके हैं हिमालय दर्शन के पास, तो देख सकते हैं अभी हिमालय का व्यू दिखाता हूं आपको बैक कैमरे से। ये देखिएगा काफी बेस्ट नजारा यहां से देखने को मिल रहा है, शाम का समय है तो इस समय पूरा चमकता हुआ हिमालय देखने को मिल रहा है आपको। ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखिएगा इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, कंचनजंगा जो होता है दार्जिलिंग से दिखता है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। बाकी यहाँ से त्रिशूल देखने को मिल रहा है आपको, पंचाचुली पर्वत है, नंदा घुंटी है, तो ये सारे पर्वत हैं। बाकी ये हनुमान जी का मंदिर भी है ऊपर टॉप में, ये नीचे देख सकते हैं आप रानीखेत वाला जो हाईवे है ये नीचे है, कोसी रिवर देखने को मिल रही है आपको हल्की सी। बाकी इधर का दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ये देखिएगा यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, तो काफी बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे आइएगा। और एक यहाँ पे हार्ट भी बन चुका है यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए, बाकी देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे मैगी काफी फेमस है, तो ये दादा लोगों की मैगी जरूर खाइए, यहाँ पे बहुत चटपटी मैगी खाने को मिलेगी आपको। तो एक भैया हैं ये आपको यहाँ की जानकारी देंगे, नीरज भैया जरा बताइए आप। भाई को स्वागत है यहाँ पे हमारे हिमालय दर्शन पॉइंट पे। आप अभी इवनिंग के टाइम में पहुंचे तो आपको गोल्डन कलर में हिमालय दिख रहा है, नंदा घुटी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, ब्रेडपोली, नंदा देवी, नंदा ईस्ट, नंदा घाट, नंदा कोट और पंचाकोट। इधर साइड को दिखाई देखिए भाई, इधर साइड को दिखाइए थोड़ा, ये नेपाल की पहाड़ियाँ अन्नपूर्णा रेंज आ जाता है, इधर फिर मुक्तेश्वर टेम्पल ज्वाइंट होता है, हनुमान टेम्पल और ये लोकल के देख रहते हैं, तो बहुत बढ़िया व्यू है, आइए और यहाँ इंजॉय लीजिए। बाकी मेरे चैनल के लिए बोल दीजिए विक्की एनटीएल, भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखिए इधर के ताजा ताजा रिपोर्ट अपडेट विक्की भाई देते रहेंगे आपको। तो देख सकते हैं ये पीछे सत्यनारायण टेम्पल है, थोड़ा बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा ये हिमालय दर्शन पॉइंट है यहाँ पे, और इसके जस्ट बाजू में ही ये मंदिर है सत्यनारायण मंदिर, तो ये भी जरूर करिएगा यहाँ पे आते हैं तो आप। ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा काफी खूबसूरत बना हुआ है और बिल्कुल शांत इलाका है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको आके। बाकी वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है, तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।